गेहूँ चना सोयाबीन और चावल का मिक्सचर है। ये छोटे चिक्स के लिए बनाया था इमरजेंसी में, क्योंकि मेरे पास स्टार्टर फ्री स्टार्टर फीड नहीं था इसलिए। तो अभी उनके लिए फीड मंगा लिया है गोदरेज का, तो इनके अब ये फीड वैसे ख़राब हो रहा था, तो इसको अपने अंडा देने वाली मुर्गियों को डाल देते हैं। 15 दिन चल जाएगा। ये हाई प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि इसमें सोयाबीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साथ में गेहूँ भी है और चावल है। मक्का अभी है नहीं अपने पास, तो मक्का नहीं डाला इसमें, और मिनरल मिक्सचर और नमक भी नहीं डाला है। तो ये ऐसे ही टाइम निकालने के लिए है कुछ दिन तक। बाकी इसमें लेयर फीड अंदर डाला हुआ है, लेयर फीड भी है और गेहूँ और लेयर फीड। तो इस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग में फीड वगैरह नहीं रहते तो कैसे भी काम चलाना पड़ता है। यही तो देसी मुर्गियों की खासियत होती है। ब्रॉयलर को ब्रॉयलर मुर्गियाँ पालते हैं तो उनको कंपनी का ही फीड खिलाना पड़ता है। जैसे आप देसी मुर्गियाँ पालते हैं तो आपके पास फीड ख़त्म भी हो जाएगा, तो जो भी दाना अपने पास रहता है वो खिलाकर कुछ दिनों तक काम चला सकते हैं। तो इस तरह से देसी मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।